बेटा हम इसको वाटर के केस में दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, जो वाटर की परमिटिविटी है बेटा, वो 81 गुना ज्यादा है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो वाटर के अंदर फोर्स है वो 81 गुना कम है एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में। बेटा दोबारा से समझो बेटा, जो वाटर की परमिटिविटी है वो 81 गुना ज्यादा है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो वाटर के अंदर फोर्स लग रहा है वो 81 गुना कम है किसके कंपैरिजन में? एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में। अब हम इसका प्रूफ करते हैं बेटा। देखो हमने दो पॉइंट चार्ज लिए बेटा, Q1 Q2, जिनके बीच की सेपरेशन है R। उनको हमने रख दिया फ्री स्पेस के अंदर, यानी कि वैक्यूम के अंदर रख दिया। तो फोर्स हो गया आपका एफ नोट, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 बाय आर स्केयर। अब हमने इन्हीं सेम पॉइंट चार्ज को सेम सेपरेशन के साथ किसी अदर मीडियम के अंदर रख दिया बेटा। वहां पे हमने निकाली फोर्स की वैल्यू, वो आ गई आपकी 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्केयर बेटा। अब हम इन दोनों का रेशो निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों मीडियम का रेशो निकालते हैं बेटा। एफ नोट बाय एफ एम, यानी कि 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 बाय आर स्केयर, Q1 Q2 बाय आर स्केयर कैंसिल। ऊपर बेटा जो टर्म आई वो आ गई आपकी एप्साइलन एम बाय एप्साइलन नोट। हमें पता है ये टर्म किसके बराबर है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी के। ये टर्म किसके बराबर है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी के। इसका मतलब यहां से हम अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालते हैं, वो क्या आ गई? ई आर इंटू ई नोट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? किसी भी अदर मीडियम की परमिटिविटी ई आर गुना ज्यादा है वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी से। देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकला हमारा, किसी भी अदर मीडियम की परमिटिविटी ई आर गुना ज्यादा है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से। देखो बेटा फोर्स के केस में, देखो यहां पे हमने फोर्स के केस में एफ एम बराबर एफ नोट बाय ई आर। इसका मतलब क्या हो बेटा? किसी भी मीडियम का फोर्स, किसी भी मीडियम का फोर्स ई आर टाइम्स कम है, ई आर टाइम्स कम है एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में। दोबारा से समझो बेटा, हमने क्या किया, दो पॉइंट चार्ज लिए, उनको वैक्यूम के अंदर रखा, वहां पे फोर्स निकाला बेटा। अब उनको किसी अदर मीडियम के अंदर रखा, वहां पे भी फोर्स निकाला। अब हमने क्या किया, इन दोनों का फोर्स का रेशो निकाल लिया। ये टर्म कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आया ई एम बाय ई नोट बेटा। हमें पता है ये टर्म किसके बराबर है? रिलेटिव परमिटिविटी के। यहां से हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाला बेटा, वो क्या आया? ई आर इंटू ई नोट। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी अदर मीडियम की परमिटिविटी ई आर गुना ज्यादा है एरिया वैक्यूम से। फोर्स के केस में देखो बेटा, फोर्स के केस में क्या है, यानी कि किसी भी अदर मीडियम का फोर्स ई आर टाइम्स कम है एरिया वैक्यूम के कंपैरिजन में बेटा। देखो किसी भी, हम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं इसका, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी बेटा हमारी? ई एम बाय ई नोट। यहां से हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाला, वो क्या निकली थी हमारे पास? ई आर इंटू ई नोट। इसका मतलब क्या था बेटा? किसी भी अदर मीडियम की परमिटिविटी ई आर टाइम्स ज्यादा है एरिया वैक्यूम के कंपैरिजन में। फिर हमने इसी तरीके से वाटर के अंदर निकाली, ग्लास के अंदर निकाली बेटा, और फिर लिक्विड के अंदर हमने इसी तरीके से निकाल ली। हमने इसको समझने की कोशिश की दोबारा से वाटर के केस में। यहां पे हमने क्या देखा बेटा? जो वाटर की परमिटिविटी है वो 81 गुना ज्यादा है एरिया वैक्यूम की परमिटिविटी से, और जो वाटर के अंदर फोर्स है बेटा वो 81 गुना कम है एरिया वैक्यूम के कंपैरिजन में बेटा। फिर हमने क्या किया, इसका प्रूफ किया बेटा। हमने दो चार्जेस लिए थे, उनको वैक्यूम या और अदर मीडियम के अंदर रखा, उनका रेशियो निकाला, तो हमारे पास दो ही कंक्लूजन निकले। हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, यानी कि जो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है वो ई आर टाइम्स ज्यादा है एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से, और जो अदर मीडियम के अंदर फोर्स है वो ई आर टाइम्स कम है एयर या वैक्यूम के कंपेरिजन में।